जाधवपुर में एक शादी समारोह में फोटोग्राफर को रस्सियों से बांधकर पीटे जाने का वीडियो वायरल हुआ। बताया जाता है कि फोटोग्राफर वधू पक्ष की तरफ से वीडियो फोटोग्राफी करने सवाई माधोपुर के साखड़ा गांव गए हुए थे। ये लोग काम पूरा करने के बाद सुबह करीब 4 बजे उठकर चले गए, लेकिन इसमें जानकारी में आया कि वधू पक्ष के लोग लगन देने के लिए उन्हें अपने साथ लेकर गए थे और यह दोनों रात को वहीं आराम करने के बाद सुबह जल्दी रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। लेकिन इस दौरान लड़के पक्ष ने करीब 40 लाख रुपए चोरी हो जाने के चलते हंगामा खड़ा कर दिया और शक के आधार पर उन दोनों फोटोग्राफरों को भी स्टेशन से पकड़ कर लाया गया और उन्हें पेड़ से लटका कर लाठियों से जमकर पीटा गया और जबरन चोरी उगलवाने के लिए दबाव बनाया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से रात रात भर जाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले फोटोग्राफरों को सिर्फ शक के आधार पर किस तरह बेरहमी से पीटा जा रहा है। इन्हें कोई कानून की परवाह नहीं, चोरी हुई या नहीं, फोटोग्राफर उसमें शामिल है या नहीं, यह काम पुलिस का है और जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन अगर फोटोग्राफर दोषी नहीं निकला तो इन अत्याचारियों को सजा भी मिलनी चाहिए, जिन्होंने बेरहमी से ना सिर्फ उनको पीटा बल्कि उन्हें समाज में भी कलंकित किया। इस मामले में स्थानीय फोटोग्राफर्स यूनियन ने भी प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। मतलब राजी क्या वारदात हुई आज, अभी डिप्स साहब ज्ञापन दिया, क्या कुछ मांगे? 16 तारीख को लगन सगाई में गया था एंडा से सांकड़ा, दो लड़के गए थे अजय और दिनेश, वो वहाँ पर प्रोग्राम खींच के 11 बजे फ्री हुए, उसके बाद खाना खा रहे थे, उस पीरियड में उनका कैंटर निकल चुका था तो उसके चक्कर में वो वहाँ से कोई साधन नहीं मिलता तो वो रुके हुए थे वहीं सो गए। तो वो सुबह उठकर 4 बजे देहरादून के टाइम पे उसकी बच्ची का कोई एग्ज़ाम वगैरह था इसलिए वहाँ निकल गए वो। अब इनने कोई पैसे से इनके गायब होंगे, कितने हुए ये पता नहीं है, तो उसमें आया कि पैसे गायब हुए तो संदिग्ध के आधार पे उनको आरोपी बनाकर पकड़ के लिए आए और उसको इतना बुरा मारा कि पुलिस वाले भी नहीं मारते, इतना बुरा मारा उसको। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि उसकी जो पैसे किसने लिए उसकी मूल जांच हो, निष्पक्ष और जिसने मारा है उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए।